नारायणपुर के धुर नक्सल इलाके, जहां पर अस्पताल तो दूर, अगर आप बीमार भी पड़ जाएं तो पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होती थी। उस दौर में कई बीमारियों का इलाज न मिल पाने के चलते लोगों की जान तक चली जाती थी। ऐसे ही अबू जमाड़ इलाके में वैद्यराज हेमचंद मांझी बीते 5 दशकों से लोगों के लिए प्राणदायक बने हुए हैं। वे ग्रामीणों और हर जरूरतमंदों का प्राकृतिक और किफायती इलाज करते आ रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सालों से चल रही उनकी निस्वार्थ सेवा भाव को अब देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर के जाने माने वैद्यराज हेमचंद मांझी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर वैद्यराज हेमचंद मांझी का अभिवादन भी स्वीकार किया। बता दें कि नारायणपुर के छोटे डोंगर में जन्मे हेमचंद मांझी उस समय से लोगों का इलाज कर रहे हैं जब उस इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों और विदेशों में रहने वाले पीड़ित मरीज भी छोटे डोंगर पहुंचकर मांझी से अपना इलाज कराते हैं। अच्छा लग रहा है। मैं 20 साल का उम्र था, 20-25 साल से उस समय से जड़ी बूटी देते देते सब लोग अभी विदेश से भी आना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे को पहले माँ शीतला सपना में बताई जड़ी बूटी को, तो जिसे उस समय आंध्रा से ढूंढते ढूंढते आए बस्तर में, अब ढूंढिए कैंसर का दवाई बोलने से वो आ गया तो एकदम आराम हो गया। तो उन लोग मैंने आराम होने के बाद मेरे को 10,000 देता था, मैं बोला मैं नहीं लूँगा। तो वो ज़बरदस्ती मेरे को एक ठो घड़ी पकड़ के दे दिया। तो फिर मैंने को फिर बाद में वहाँ से पेपर में नेट में काय काय देना चालू किए, तो पूरा भारत भर के अब आते हैं और जड़ी बूटी लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद मांझी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि मांझी का 5 दशक से ज्यादा समय से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को निस्वार्थ सेवा भाव हम सबके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। जब हेमचंद मांझी को पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, तब मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास पर आमंत्रित कर उनका सम्मान किया था। जरूरतमंदों के लिए सालों से संजीवनी दे रहे मांझी को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना अबू जमाड़ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।